खबर साइबर फ्रॉड की सासाराम से है, जहां सासाराम के समाहरणालय में उपस्थित एक सीनियर डिप्टी कलेक्टर का फेक फेसबुक आईडी बनाकर लोगों को गुमराह करने का एक मामला प्रकाश में आया है। वरीय उप समाहर्ता ओम प्रकाश ने बताया कि उनकी तस्वीर तथा नाम का उपयोग करते हुए फेसबुक आईडी बनाई गई तथा उनके माध्यम से शिकायत मिली कि कई लोगों से पैसे की डिमांड की गई। जैसे ही उनके संज्ञान में आया है, उन्होंने इसकी शिकायत साइबर सेल से की है। उन्होंने बताया पिछले 2-3 दिनों पहले तो उनकी तस्वीर का उपयोग कर एक फेसबुक प्रोफाइल बनाई गई, बाद में उनके नाम का भी उपयोग कर फेसबुक प्रोफाइल से कुछ लोगों से नाजायज डिमांड की गई, जिसकी सूचना अब उन्हें मिली तो उन्होंने खुद इसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि उनकी तस्वीर एवं नाम का उपयोग करते हुए एक फेक फेसबुक रन आईडी कर रहा है। उन्होंने बताया कि तुरंत इसकी रिपोर्ट फेसबुक से की गई, साथ ही साइबर सेल को भी वह सूचना दे रहे हैं एवं अपील भी कर रहे हैं कि कोई भी उनके फेसबुक या व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से किसी तरह की डिमांड करे तो इसकी सूचना साइबर सेल को जरूर दे। एक मामला ऐसा आया है जिसमें मेरे नाम से फर्जी अकाउंट बना करके, फर्जी फेसबुक अकाउंट बना करके, पहले तो उसमें मेरा फोटो का प्रयोग किया जा रहा था और नाम कुछ दूसरा दिया जा रहा था, मॉरिसन या ऐसे करके वाडा भी करके ऐसे दिया जा रहा था। अब आज मेरा नाम भी उसमें यूज किया जा रहा है, मेरा पदनाम भी उसमें यूज किया जा रहा है और उसमें मेरा फोटो भी यूज करके फेसबुक पर एक अकाउंट बना करके और लोगों से किसी से पैसा मांगने की या किसी को सामान बेचने की या ऐसे कई तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, तो मैं इसका कंप्लेंट साइबर थाना में और पुलिस प्रशासन के समक्ष में करने जा रहा हूँ। और मैंने फेसबुक को भी रिपोर्ट भेज दिया है, फेसबुक को भी रिपोर्ट किया है कि ये फर्जी अकाउंट है, फेक अकाउंट है और इससे ये मेरे आइडेंटिटी का और मेरे पॉपुलैरिटी का वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे को परेशान कर रहे हैं, मेरे नाम से पैसा मांग रहे हैं, तो इन पर उनका अकाउंट को बंद किया गया, ब्लॉक किया गया और मैं इसकी शिकायत साइबर थाना में भी करने जा रहा हूँ। मैं आम जनता से यह अपील करता हूँ कि अगर मेरे नाम से ओम प्रकाश लाल या ओम प्रकाश SDM या ओम प्रकाश STC के नाम से कोई भी फेसबुक अकाउंट बनाता है या व्हाट्सएप कॉल करता है या मोबाइल कॉल भी करता है, तो करके अगर कोई गलत डिमांड करता है, पैसे की डिमांड करता है या किसी तरह की भ्रम जाल फैलाता है, तो उससे आप सतर्क रहें और इससे बचें और इसकी सूचना आगे वही पदाधिकारियों को और मुझे भी दें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।